हाँ उदय, तुम कुछ पूछ रहे थे। हाँ ये सर 174 मीटर का सर उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा सर? क्या 174 का? तो 174 मीटर का सर 6x9 विजन से कोई कंपेयर नहीं करना ना सर? नहीं नहीं वो हमारा विजन, देखो क्या बोला हमारा क्वेश्चन ये बोला कि हमको तो 174 मीटर, अच्छा रुको रेट दिखाने दो, 174 मीटर हमको डिस्टेंस चाहिए। फिर से देखो मतलब कहाँ दिक्कत हो गया, रुको डायग्राम ही बना के तुम लोग को बता देते हैं। देखो यहाँ पे मान के चलो ये पूरा का पूरा मेरा रोड था, ये पूरा का पूरा मेरा रोड है। अब लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारा प्लान व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लान व्यू। अब क्या है कि यहाँ पे मेरा एक ड्राइवर है, यहाँ पे ड्राइवर जरूर होगा, उसके बाद उसको यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, यहाँ पे हमारा एक जोन है, इस जोन को बोल दिया जोन वाई। इधर जोन वाई है, यहाँ से स्टार्ट है जोन वाई है, इधर यहाँ से जोन वाई स्टार्ट। अब क्वेश्चन में ये भी तुमको दे रखा है कि तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है जोन वाई से साइन बोर्ड का जो दूरी है वो तुमको एक्स दे रखा है, एक्स किलोमीटर या फिर जो भी है तुमको दे रखा है। और ये जो साइन बोर्ड है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर का तुमको साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो 30 किलोमीटर पर आवर का है तब तो जाके हम अपना 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। अब क्या बोला कि यहाँ पे एक 6x6 विजन का ड्राइवर है, अगर तुम्हारा 6x6 विजन का ड्राइवर है तो उसको ये रोड जो है 48 मीटर पीछे से ही जब रोड पे चलेगा तो इसको ये साइन बोर्ड दिख जाएगा, 48 मीटर पीछे से ही ये तुम्हारा साइन बोर्ड है इसका, ये देखो साइन बोर्ड, ये इसका साइन बोर्ड 30 किलोमीटर पर आवर का जो लगा हुआ है ये इसको दिख जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला कि मान के चलो ये पूरा का पूरा मेरा रोड था, रोड है, और खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, खुद प्रैक्टिकली सोचो कि हमारा एक रोड होता है, रोड पे हमारा एक साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, साइन बोर्ड है 30 किलोमीटर पर आवर का। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको भूलो, 30 किलोमीटर पर आवर का मेरा एक साइन बोर्ड है और आगे मेरा एक जोन है जिस जोन में स्कूल है, स्कूल तो एक पर्टिकुलर किसी एक आगे जाओगे तो एक जोन आ जाएगा या उससे पहले ही हमारा रहता है, या फिर हॉस्पिटल है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, साइन बोर्ड ये सब लगा हुआ रहता है। अब क्या हुआ कि जो ड्राइवर है वो उसको जब ये इसको देखेगा, जैसे ही साइन बोर्ड को देखेगा तो साइन बोर्ड को देखेगा इससे पीछे, अगर मान के चलो यहीं पे मेरा ड्राइवर था जिसका विजन 6x6 है, अभी हम 48 मीटर का बात नहीं कर रहे, 6x6 विजन है इस ड्राइवर का, तो यहाँ से ये पीछे से आ रहा था, इसका स्पीड था 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना गाड़ी चला रहा था। अब पीछे से देखेगा कितना पीछे से, अगर 6x6 विजन का ड्राइवर है तो 48 मीटर पीछे से ही देख लेगा कि हमारा आगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो साइन बोर्ड लगा हुआ है वो 30 किलोमीटर पर आवर का इंडिकेट कर रहा है। अब ये बेचारा यहाँ पे देखा, फिर इसके पास पीछे हम पढ़े हैं लिख दिया है रिएक्शन टाइम करते करते इसको 174 मीटर लग जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको आते 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 174 मीटर का ये दूरी तय कर लेगा, मतलब 174 मीटर का ये दूरी कवर कर लेगा। अगर 6x6 विजन का आदमी है तो उसको 48 मीटर दिखेगा, और कोई भी आदमी हो वो 6x6 का हो या फिर 6x9 का हो, उस जैसे ही देखेगा उसको 174 मीटर दूरी तो लगना ही लगना है। अब क्या है, अब इसलिए लगना है क्योंकि जो भी हमारा रिएक्शन टाइम होता है, पीप थ्योरी होता है, उसमें अपने रिएक्शन टाइम को 2.5 सेकंड या फिर 3 सेकंड जो भी है सिचुएशन के अनुसार अपना मान के चलते, हमारा IRC एक वैल्यू दे रखा है 174 मीटर लगा। अब बात ये बोला, हमसे विजन का क्वेश्चन पूछा कि हमको एक 6x6 विजन का आदमी है उसको 48 मीटर चाहिए, अब अगर हमारे पास 6x9 विजन का आदमी है तो 6x9 विजन का आदमी है तो हमको पता है कि 6x9 विजन का आदमी यानी पुअर विजन है, तो उस बेचारे को 48 मीटर से नहीं दिखेगा, वो और थोड़ा नजदीक जब जाएगा उसका गाड़ी यहाँ पे जाएगा 6x9 विजन का, तब जाके उसको दिखाई देगा। तो 6x9 विजन का 6x9 विजन का आदमी को ये दूरी जब 32 मीटर रहेगा साइन बोर्ड से इसका दूरी, तब जाके इस बेचारे को दिखाई देगा। अब भले ही इसका 32 मीटर दूरी पर जाके दिखाई देगा लेकिन इसको भी तो 174 मीटर लगेगा ही लगेगा, तो जब यहाँ पे देखो साइन बोर्ड इसको दिखाई देगा 32 मीटर से, और साइन बोर्ड और जोन का दूरी तुमको एक्स दे रखा है,
वही तो हमसे पूछा, अगर 6x6 भीजन का आदमी रहता तो 174 माइनस 48 करके हम निकाल देते तो 4 में से 6 और यहाँ पे 2, 126 मीटर हमारा एक्स का डिस्टेंस रहता जोन वाई से साइन बोर्ड का जो बीच का दूरी था, लेकिन हमारा भीजन का आदमी 6x9 का था, तो 6x9 भीजन का था उसको 32 मीटर से दिखाई देगा, 174 माइनस 32 कर देंगे तो कितना आया 142 मीटर इसका आंसर होगा, मतलब 142 मीटर जो हमारा जोन वाई और साइन बोर्ड के बीच का दूरी होगा, वही हमसे पूछा था कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मेरा 142 मीटर है। तो ऐसे करके आई थिंक तुम लोगों को पूरा का पूरा जो इसका प्लान भी होता ऐसे तुमको समझा दिए, तो अभी अब अभी अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हमको नहीं लगता है कि डाउट बचा होगा। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर, कोई डाउट मतलब अच्छे से सब समझ में आ गया तुम्हारा? यस सर। चलो ठीक है, तो देखो ऐसे ही अभी गेट में तुमसे रीजन से क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टाइम तुमसे क्वेश्चन चेंज करते, वो 6x6 की जगह 6x9 दे दे, 6x9 की जगह 6x12 दे, तो कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि हमारा वही भीजन का ही सब कुछ था, लेकिन क्वेश्चन तो हमसे पूछ दिया, मतलब अब गेट तो ऐसा रहा नहीं। और 30 नंबर 35 नंबर भी लाना कितना टफ है, वो आई थिंक इस साल तुम लोग गेट का एग्जाम देके जो एक्सपीरियंस कर लिए होगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये अब वैसा अप्रोच नहीं है कि हमसे पूछ देगा कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट कैसे टेस्ट करते हैं, कौन सा मोल्ड का साइज रहता है, क्या रहता है, यही सारा का सारा क्वेश्चन वो पूछेगा। तो आई थिंक जब तुमसे क्वेश्चन पूछे तो पेशेंस रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। और देखो 11 से 12 लाइन का क्वेश्चन था, फिर डायग्राम भी दे रखा है, बस हमको समझना था कि 6x6 विजन का ड्राइवर को 48 मीटर दिख रहा है, तो 6x9 का पुअर विजन है पीछे जो बताए, पुअर विजन को और कम से दिखेगा 32 मीटर चला जाएगा। तो अब पूरा का पूरा जैसे ही वो देखेगा जोन तक जाने में उसको 174 मीटर लग रहा है, तो 32 में से 174 घटा दिए, 142 मीटर हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि हमसे ड्राइवर पूछा कि कितना मिनिमम डिस्टेंस है एक्स का, जब 6x9 विजन का ड्राइवर भी उसको देखे, तो अगर 6x6 विजन का ही पूछता तो 174 माइनस 48 126 मीटर कर लेते। तो ऐसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, बस समझना था हमको कि हमको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, ये जो नोट्स है ये तुम लोगों को हम दे देंगे, तुम्हारा जब भी LMS पोर्टल ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होगा तैसे ही तुम लोगों को दे देंगे, घबराने का बात नहीं है। और टेंशन मतलब हर एक क्लास में हम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन गेट का कराते रहेंगे, जैसे ही हमको लगेगा कि टॉपिक कंप्लीट हुआ और तुमको गेट का क्वेश्चन एक करा देना है तो हम खोज के तुम लोग को गेट का क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि एक डेढ़ महीना आप तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ा देते हैं अच्छे से, पूरा पूरा गेट का क्वेश्चन करवा देते हैं। तो ये रहा तुम्हारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मतलब हमको ट्रैफिक का इंजीनियरिंग करना है। अब ट्रैफिक का इंजीनियरिंग करके मतलब ट्रैफिक में सुधार, ट्रैफिक का स्टडी कर लेना है, एनालिसिस करना है, प्लानिंग करना है। तो वही हमारा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक था, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का मेरा दो पार्ट था, एक हमारा रोड यूजर का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, फिर मेरा एक व्हीकल का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है। तो रोड यूजर का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, रोड यूजर जो आदमी यूज करता था, तो हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक देखे इसका कि हमारा जो भी रोड यूजर है वो या तो साइक्लिस्ट या फिर ये सब हो सकता है। अब जो ये सारा का सारा फैक्टर था मेरा फिजिकल फैक्टर, अब फिजिकल में भी हम लोग देख लिए कि परमानेंट फिजिकल फैक्टर या फिर परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो विजन का हमारा कैसा क्वेश्चन था, गेट में क्या पूछा, उसको भी हम लोग एनालिसिस कर लिए। तो ये हमारे पास गेट का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किए, आगे बढ़े, देखो दिखा सबको 142 मीटर आंसर इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर। तो टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि जो टेम्पोररी है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, फटीग है, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल है, ड्रग है, इलनेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारा मोटरिस्ट है या फिर जो कार ड्राइवर है वो बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है तो बीमार पड़ेगा तो एक दिन के लिए है, दो दिन के लिए है, कल से ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि आदमी जो है हमेशा कंज्यूम करके चलाता, कभी कभी ओकेजनली पी लिया या फिर गाड़ी चला रहा है, तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये सारा का सारा हमारा टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसका है,
रोड यूजर का है, क्योंकि रोड यूजर करने वाले या तो पीछे पर है, पेडिस्ट्रियन है, साइक्लिस्ट है, मोटरिस्ट है, पैसेंजर कार है, जो भी है ड्राइवर, वो दो नेचर, परमानेंट और टेम्प्रोरी। तो टेम्प्रोरी में हमारा फटी गया, थका हुआ है बेचारा, कल शादी अटेंड किया है, आज पूरा का पूरा थका हुआ है, हो सकता है एक दो दिन बाद उसका थकान उतर जाएगा। तो ये सारा का सारा टेम्प्रोरी नेचर का है। लेकिन ये जो टेम्प्रोरी नेचर का है, देखो क्या बोला इसके बारे में, ऑल दीज रिड्यूसेस अलर्टनेस एंड इंक्रीज द रिएक्शन टाइम ऑफ रोड यूजर। ये सारा का सारा, मान के चलो जो आदमी थका हुआ है, थके होने के बावजूद गाड़ी चला रहा है, बीमार है उसके बावजूद वो गाड़ी चला रहा है, तो ऐसा है कि उसका जो अलर्टनेस है वो कम रहेगा, उसको रिएक्शन टाइम हो सके तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। पहले बेचारा ठीक था, लेकिन है तो उसके रिएक्ट करने में डील नहीं करते हैं, परमानेंट चीज से डील करते हैं, इसलिए परमानेंट चीज से पीछे डील किए विजन से और अपना न्यूमेरिकल भी उसको बना के सॉल्व किए। लेकिन जानना है तो हम ये भी जान लिए कि हमारा जो भी रोड यूजर को अफेक्ट करने वाले दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में परमानेंट नेचर के हैं और एक टेम्प्रोरी नेचर के हैं। तो टेम्प्रोरी नेचर के जो भी हैं वो हमारे अलर्टनेस को रिड्यूस करते हैं और रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे अलर्टनेस और रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करते हैं अगर हमारे टेम्प्रोरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यस सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मेंटल फैक्टर, ये भी मतलब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक को। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक को, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में भी सबसे फर्स्ट देख रहे हैं रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को, रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो भी रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो भी रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर को देख रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर था फिजिकल, वो कवर हो गया, परमानेंट टेम्प्रोरी। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है तुम्हारा मेंटल फैक्टर। तो मेंटल फैक्टर में है इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, लिटरेसी ऑफ रोड यूजर, व्हिच गवर्न्स द बिहेवियर ऑन रोड। अब मेंटल फैक्टर में ये सारा का सारा फैक्टर, मेंटल फैक्टर ये मतलब नहीं कि वो ड्राइवर मतलब ठीक है या फिर पागल है, वो इसके अंदर नहीं आता है। क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड लिटरेसी ऑफ रोड यूजर। जैसे कि मान के चलो अब बरसात का टाइम है, तो बरसात का टाइम है, फोर व्हीलर वाले को देखते हो कि टू व्हीलर वाले पे पानी पड़ाते हुए चला जाता है, कोई ड्राइवर ऐसा बेचारा रहता है जो कि अगर उसको पानी के पोर्शन से क्रॉस करना है तो अपने गाड़ी को स्लो कर देता है और फिर धीरे 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 पास कराता है, ताकि उसको ये ज्ञान रहता है कि साइकिल वाले को ना पड़ जाए, कहीं वो भी बेचारा जा रहा है अपने घर, मोटरसाइकिल वाला कहीं जा रहा है उसको ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब सोचो कि वो इलिटरेट आदमी है, वो उसको कुछ नॉलेज ही नहीं अपने गाड़ी को पूरा, उसको क्या फर्क पड़ता है अगल बगल वाले से अपना पानी पड़ाते हुए चला जाता है, जबकि जनरली इंडिया में लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये मेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है रोड यूजर के कि वो कैसा बिहेव करते हैं। और मेंटल फैक्टर में तुम्हारा नॉलेज आया, स्किल आया, इंटेलिजेंस आया, एक्सपीरियंस आया, फिर लिटरेसी आया कि वो लिटरेट है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा चीज जो है हमारे रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करते हैं। थर्ड फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो भी है तुम्हारा, ये तुम्हारा नेक्स्ट में देखो कि दिस अफेक्ट्स रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन ऑफ रोड यूजर टू ग्रेट एक्सटेंट। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो तुम्हारे रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो क्या क्या है इसमें, ये बोला इट इंक्लूड्स अटेंटिवनेस, इट इंक्लूड्स अटेंटिवनेस, फियर, एंगर, सुपरस्टिशन, इम्पेशेंस, जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रैफिक एंड रेगुलेशन। म्यूट कर लो, आई थिंक किसी की तरफ अनम्यूट है, जितेंद्र तुम्हारी तरफ अनम्यूट है, समझ में आ रहा है जितेंद्र, उदय जो बता रहे हैं? यस सर, ओके चलो ठीक है। तो देखो तुम्हारा नेक्स्ट जो रोड यूजर को
फैक्टर अफेक्ट करता है वो उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इट इंक्लूड्स अटेंटिवनेस, वो कितना अटेंटिव है, फियर मतलब डर है कि नहीं, अब गाड़ी चला रहा है और पूरा डरते डरते गाड़ी चला रहा है, या फिर ऐसा भी हो गया कि कहीं बेचारा वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट देख लिया, अब इतना डर गया कि, या फिर उसी के गाड़ी से किसी को धक्का लग गया, तो इतना फियर में है वो बस वाला कि पूरे के पूरे 48 या फिर 50 पैसेंजर को लेके वो अपना नदी में गिरा दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये सारा का सारा आदमी के साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजी पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। तो ये भी हमको देखना है अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, इससे पहले तो हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन कर ही लिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये भी हमको स्टडी करना पड़ता है कि आदमी का साइकोलॉजी कैसा है। नेक्स्ट एंगर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा जाता है, अब क्या हुआ कि उसको रोड पे जा रहा था, पांच उसके पास सिग्नल आया, हर एक सिग्नल पे उसको रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट उसको मिला, अब इतना गुस्सा गया कि एक बार रेड लाइट को क्रॉस करते हुए चला गया, फिर उसको फाइन देना पड़ेगा, मतलब उसको इम्पैशेंस है, उसको पैशन नाम का चीज ही नहीं है, गुस्सैल आदमी है। तो ये सारा का सारा चीज जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर में आता है। नेक्स्ट सुपरस्टिशन, जैसे कि मान के चलो हम ही लोग को क्या है, ऐसा है कि कहीं सुपरस्टिशन, देखो यहाँ पे इट इंक्लूड्स अटेंटिवनेस, फियर, एंगर और सुपरस्टिशन। तो जो तुम्हारा सुपरस्टिशन है, इसको हमारे इंडिया में है कि जैसे रोड से जा रहे हैं, कोई काली बिल्ली या फिर कोई भी बिल्ली रास्ता काट दी तो अपना गाड़ी रोक लेते हैं, या फिर देखते हैं कि इधर उधर का आदमी पास कर जाए फिर हम पास करेंगे, या फिर क्या करते हैं उसको क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे सुपरस्टिशन है कि काली बिल्ली रास्ता काट दी तो हमारा ही एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ऐसा है। या फिर क्या है, टू व्हीलर से जा रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर आ गया हनुमान जी का, बजरंग बली का, हम बाएं में मुड़ के अपने बजरंग बली को दोनों हाथ छोड़ के प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा सुपरस्टिशन है जो कि आदमी के साइकोलॉजी में बसा हुआ है कि भगवान है, हम जा रहे हैं इस काम को करने के लिए, तो भगवान को पूरा रास्ते माथा टेकते हुए जा रहे हैं कि हे भगवान काम मेरा सफल हो जाए सफल हो जाए सफल हो जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सुपरस्टिशन है जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है और हर एक पर्सन के साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो ये भी तुम्हारा एक फैक्टर है जो कि रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को कवर करता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इम्पेशेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको मान के चलो वही ट्रैफिक सिग्नल वाला दे सकते हो कि ट्रैफिक सिग्नल है, पांच जगह हमको आया और हम जो है एक बार उसको तोड़ते हुए चले गए। फिर जनरल एटीट्यूड्स टुवर्ड द ट्रैफिक एंड रेगुलेशन, कि तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, जैसे कि कोई हमको ठोक दिया पीछे से, कोई गाड़ी वाला ऐसा है कि हमको पीछे से ठोक दिया, तो हम ठोक दिया अपना पीछे से हॉकी स्टिक निकाले उसको देना स्टार्ट कर दिए, तो ये भी जनरल एटीट्यूड हमारा शो करता है। या फिर उसी को जाके मार दिए कि चाचा विधायक है हमारे, सीरियल भी है चाचा विधायक है हमारे। तो ये जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रैफिक हमको मतलब अच्छा रखना है। तो ये सारा का सारा, लेकिन खुद ब खुद देखा ही होगा ये सारा का सारा चीज, हम जैसे ही रोड पे निकलते हैं तो हमको देखने को मिलता है पीछे वाला का ही गलती रहता है, वो हमको ठोक देता है, या फिर क्या है हमारे अंदर एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि हमारा इधर रोड है बोला कि वन वे है इधर से जाना है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला है तो हमको पता है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, भले ही पुलिस वाला पकड़ा इसको 100 रुपया हम इसको दे देंगे, आराम से ही हमको बोला कि हाँ बाबू तुम इसी से चलते चले जाओ। या फिर क्या है मेरा साइकोलॉजी है कि हमको पता है कि इधर NH है, हमको क्रॉस नहीं करना है क्योंकि हाई स्पीड व्हीकल आ रहा है, लेकिन हाथ अपना देंगे चले जाएंगे, अपना टू व्हीलर इसी में घुसा देंगे, कोई कुछ बोलेगा तो बोल देंगे कि भाई हम इस एरिया के डॉन है। तो ये सारा का सारा जनरल एटीट्यूड है जो कि हमको एक फैक्टर है जो गवर्न करता है रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को, और ये सारा का सारा फैक्टर है। तो ये सारा का सारा फैक्टर का जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को इतना अच्छे से या फिर इतना टाइम देके इसलिए बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट तुम्हारा क्वेश्चन है। जब ये इसका क्वेश्चन हम दिखाएंगे इंजीनियरिंग सर्विस का, तो देखोगे कि तुमको उसमें दे देगा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल, फियर, एंगर, सुपरस्टिशन, एक्सपीरियंस, लिटरेसी ऑफ रोड यूजर। ऑप्शन ए तुमको दे देगा नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी दे देगा फियर, एंगर, सुपरस्टिशन। ऑप्शन सी दे देगा लिटरेसी ऑफ रोड यूजर। ऑप्शन डी दे देगा और कुछ देके पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन ए में दे देगा 1, 2, 3, 4, मतलब ए बी सी डी चारों सही है। बी दे देगा ओनली सी डी। डी दे देगा ओनली, ऐसे करके तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जो पॉइंट जहां पे था
जिस तरीके से था, एक बार तुम लोग को नोट्स तो दे ही देंगे और नोट्स में तो पॉइंट सब लिखा ही हुआ है, उसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर दिए ताकि जब भी पढ़ोगे या फिर माइंड पे तुम्हारा कम से कम 70-80% फिट होते चले, इसलिए इतना टाइम लेके एक एक पॉइंट को बता रहे, ओके, ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? Yes, sir. चलो लास्ट पॉइंट है तुम्हारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, तो इसमें देखो क्या क्या फैक्टर है। इट इंक्लूड्स ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी तुम्हारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक स्ट्रीम है, मतलब जो भी तुम्हारा ट्रैफिक का है उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, रोड साइड फीचर, एटमोसफेयर कंडीशन, लोकेलिटी, तो ये सारा का सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जैसे कि मान के चलो लोकेलिटी, अब हम ही लोग एक रोड से ऐसा क्रॉस कर रहे हैं जो कि पूरा का पूरा ये रोड तुम्हारा 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ पे हमको जाना है। एक ऐसा भी स्ट्रिच है जो कि इधर से हमको जाना है, ये तुम्हारा 6 किलोमीटर का है इधर से तुम्हारा, या फिर 5 किलोमीटर का है। अब ये 4 किलोमीटर का रोड है और यहाँ ऐसा लोकेलिटी है यहाँ पे जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे रोड के दोनों साइड पूरा का पूरा कचरा रखा है जो कि बहुत ज्यादा बदबू देता है। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरा का पूरा बदबू है, जो कि हमको या तो अपने पूरे के पूरे उस स्ट्रिच में नाक को बंद करके सांस नहीं लेना पड़ेगा या फिर नाक पे रुमाल रख के मेरे पीछे जो बैठा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। और ये सारा का सारा चीज प्रैक्टिकली अभी तक के उम्र में हम लोग सारा का सारा चीज अनुभव करके आए हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ दिन जाते हैं, फिर धीरे से पीछे वाला जो हमारे गाड़ी में बैठा बोलता है भाई इधर से मत चलो, इधर से चलो, 1 किलोमीटर ज्यादा ही है, इधर से ही चलो। तो ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और ये हमारे लोकेलिटी पे डिपेंड कर गया, इसीलिए ये हमारा लोकेलिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंडर आया और इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न कर दिया, क्योंकि वो ड्राइवर, वो पेडेस्ट्रियन, वो साइक्लिस्ट, वो मोटरसाइकिलिस्ट, वो कार वाला उस रोड में ना जाके दूसरे वाले रोड से जाना वो प्रिफर करेगा। एटमोस्फेयरिक कंडीशन, कहीं जा रहा है दोनों का दोनों साइड प्लांटेशन है, पूरा का पूरा हरा भरा पेड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा व्यू आता है वो अपना, इसीलिए वो उस रोड को प्रिफर कर रहा है क्योंकि अपना आगे जाके गाड़ी रोक के अपना सेल्फी ले लेगा। तो ये भी रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर है जो कि रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करते हैं। तो आई थिंक अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। आज हम लोग क्या क्या देखे, आज देखे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आई थिंक पिछले क्लास में भी सब डिस्कस कर दिए थे लेकिन तुम लोग थे नहीं इसलिए कोई बात नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखे, मतलब हमको ट्रैफिक का इंजीनियरिंग करना था। ट्रैफिक का इंजीनियरिंग इसलिए करना था क्योंकि ट्रैफिक के इंजीनियरिंग को करके, मतलब इंजीनियरिंग करने का मतलब कि हम ट्रैफिक के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते थे। तो ट्रैफिक के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ट्रैफिक का स्टडी करेंगे, ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ट्रैफिक का प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, रोड सेफ्टी एस्पेक्ट को हम लोग डील करेंगे, ये सारा का सारा चीज हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखे, हमारा 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि हम लोग रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को देखे, एक व्हीकलर कैरेक्टरिस्टिक को देखे। तो जो हमारा रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक था, तो रोड को यूज करता है वो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करेगा। अब जो रोड यूजर है उसको बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता कराता है। फर्स्ट फैक्टर था उसका फिजिकल। फिजिकल में हम लोग देखे दो टाइप का, एक परमानेंट फिजिकल और एक टेम्पररी फिजिकल। तो जो परमानेंट फिजिकल था उसमें हम लोग देखे कि जो परमानेंट नेचर का था, तो परमानेंट नेचर का जो भी उसका पैरामीटर था वो हमारा 2 टाइप का था। तो परमानेंट में 2 टाइप का था, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में हम लोग देखे कि हमारा उसका विजन कैसा है, उसका हियरिंग पावर कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है, उसका जनरल रिएक्शन कैसा है। फिर हम विजन को डिफाइन किए कि विजन ऑफ अ पर्सन क्या होता है। विजन के लिए हमारे पास एक फार्मूला आया x/y, x को बोले कि ये एक्चुअल डिस्टेंस है, y को बोले रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, क्या चीज का एक्चुअल क्या चीज का रिक्वायर्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको विजन बोला। फिर हमारे पास एक वैल्यू आया 6/6 का, तो 6/6 को हम बोले कि किसी ना किसी चीज को एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है, तो 6/6 को हम लोग नॉर्मल विजन बोले। तो नॉर्मल विजन बोले यानी जिस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 6 मीटर चाहिए उसको हम 6 मीटर की दूरी से देख ले रहे हैं, दैट मीन्स मेरा विजन नॉर्मल है। फिर 6/9 को देखे, 6
6/9 मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड चाहिए 9, लेकिन हम देख रहे हैं 6 से, तो हमारा विजन थोड़ा मतलब और पास जाना, मतलब मेरा विजन पुअर है, तो पुअर विजन हम लोग देखें। फिर एक और विजन था 10/6 का, तो हम देखें कि ये हमारे पास सुपर विजन है, मतलब हमको रिक्वायर्ड चाहिए था 6, लेकिन दिव्य ज्योति लग गया और पीछे से 4 मीटर और पीछे से ही हम देखते हैं अपनी आँख से। फिर गेट का क्वेश्चन किए, क्वेश्चन भी मेरा अच्छा था जो 2015 का था, 10 से 12 लाइन का था, उसको हम लोग बस एप्टीट्यूड था 6/6 में 48 मीटर, तो 6/9 में इतना इतना डिस्टेंस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो उसको घटा जोड़ के हम लोग अपना निकाल। नेक्स्ट था हमारा टेम्प्रोरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, किसका? रोड यूजर का। टेम्प्रोरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में फिर हम लोग देखे कि टेम्प्रोरी नेचर का हो, मतलब 1-2 दिन 4 दिन रहे फिर वो उतर जाए, उसमें देखे कि कोई उसका इलनेस, उसका फटीग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और ड्रग, तो ये सारा का सारा टेम्प्रोरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में आया। अब इसमें भी एक पॉइंट और डिस्कस किए कि जो टेम्प्रोरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो रोड यूजर के अलर्टनेस को कम कर देता है और उसके रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है। तो हो सके ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि जो तुम्हारा कोई आदमी जो है वो गाड़ी चला रहा है तो उसका अलर्टनेस जो है उसका या फिर रिएक्शन टाइम जो है 2.5 सेकंड है, लेकिन उसके अंदर फटीग हो गया, मतलब फटीग बट पर्सन सफरिंग फ्रॉम फटीग, देन द रिएक्शन टाइम विल इंक्रीज, देन द रिएक्शन टाइम विल डिक्रीज, ऑप्शन ए मतलब बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दी, तो ध्यान देना उसका रिएक्शन टाइम हमेशा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट था मेंटल फैक्टर, मेंटल फैक्टर ये दूसरा था हमारा कि दूसरा फैक्टर फिजिकल खतरा, सर फैटी में वो थका हुआ है ना सर, तो घटेगा ना सर रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम उसका क्या बढ़ जाएगा ना, रिएक्शन टाइम अब उसको टाइम लग रहा था 2.5 सेकंड उसको देख के सोच के आगे जाने के लिए, अब उसको 3 सेकंड लग रहा है ना बेचारा, पहला नाक पोछेगा फिर ऐसे ऐसे माथा करेगा, बात समझ में आ गया? खुद सोचो कि यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन टाइम क्लियर हो गया, क्लियर हाँ, तो वही बताया, खुद सोच लो बीमार है उसका नाक बढ़ रहा है, देखा फिर अपना नाक पोछेगा फिर आगे बढ़ेगा, तो ये इसका रिएक्शन टाइम बढ़ गया उसका। फिर मेंटल फैक्टर, मेंटल फैक्टर में बहुत सारा हो गया, नॉलेज उसका कैसा है, स्किल कैसा है, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, लिटरेसी, ये सारा का सारा मेंटल फैक्टर है। फिर तुम्हारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल में देखे कि उसका फियर, सुपरस्टिशियस का 2-2 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि काली बिल्ली रास्ता काट रही है, फिर मंदिर को देखे माथा टेकना स्टार्ट कर दिए, ये सारा का सारा उसका पॉइंट था। नेक्स्ट इम्पेशेंस, ये सारा का सारा पॉइंट था। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर देखे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा जो भी था ट्रैफिक स्ट्रीम, रोड साइड फीचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और लोकेलिटी, ये सारा का सारा चीज जो है हमारे किसको, रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को कवर करता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, तो वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट मीन्स हमारा जो भी, बस थोड़ा बता दे रहे हैं, वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक यानी हमारा जो भी व्हीकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक। अब जो हमारा व्हीकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक देखो सब तो पढ़े होंगे, लेकिन मतलब ये प्रॉपर एक चैनल के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये स्टेप ये स्टेप, अब अच्छा लगा होगा कि रोड यूजर का हमारा कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे 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 मेरा स्टेप है। तो जो भी हमारा व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक है इसको भी दो भाग में बाइफरकेट करते हैं, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और एक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक व्हीकल का मतलब जब हमारा गाड़ी रुका हुआ है उस टाइम पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे व्हीकल का वो हमारा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा, और जब हमारा गाड़ी चलेगा उस टाइम जो हम अपने गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे वो उसका डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। जैसे जब हमारा गाड़ी चलेगा तो गाड़ी का पावर, पावर या फिर ट्रैक्टिव फोर्स तुम लोग पढ़े होंगे, या फिर स्पीड ऑफ व्हीकल, या फिर ब्रेकिंग इफिशियंसी, ये सारा का सारा हमारा जो भी गाड़ी का कैरेक्टरिस्टिक है वो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक के अंडर में आ जाएगा। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक यानी जब भी हमारा व्हीकल मोशन में हो उस टाइम पावर ऑफ व्हीकल को देखेंगे, स्पीड ऑफ व्हीकल को देखेंगे, ब्रेकिंग इफिशियंसी को देखेंगे, ये सारा का सारा चीज जो भी है उसके डीएसिलेशन को देखेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है रोड के ऊपर, डियर एंड टियर वो क्या कराता है, ये सारा का सारा पॉइंट जो होगा जब हमारे व्हीकल का डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके अंदर हमारा डील होगा। फिर हमारा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक यानी हमारा गाड़ी जब रुका हुआ है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब हमारा गाड़ी जब मूव कर रहा है, तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है मतलब गाड़ी जब तुम्हारा रुका हुआ है तो उस टाइम हम गाड़ी के अपने डायमेंशन को देखेंगे,
टर्निंग एंगल को देखेंगे, टोटल वेट ऑफ व्हीकल को देखेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस को हम लोग देखेंगे। अब डायमेंशन में देखेंगे हमारे गाड़ी का लेंथ कितना है, हमारे गाड़ी का विड्थ कितना है, हमारे गाड़ी का हाइट कितना है। अब ये सारा का सारा चीज, जो भी लेंथ विड्थ हाइट जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके डायमेंशन को देखेंगे, फिर हम ज्योमेट्रिक डिजाइन में ही सारे के सारे चीज का कर लेते हैं कि हमको जो भी कैरेज वे बनाना है या फिर हमको जो भी शोल्डर का यहाँ पे विड्थ रखना है, हमको मीडियन का विड्थ रखना है, ये सारा का सारा फैक्टर जो भी है हमारा विड्थ ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है कि हमारे गाड़ी का विड्थ कितना है, ये सारा का सारा चीज। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारा हाइट, हमारे गाड़ी का हाइट कितना है। तब अगर हमारे गाड़ी का हाइट बहुत ज्यादा है तो हम जो भी अंडरपास या फिर जो भी ओवरहेड गंट्री बनाएंगे उसको ऊंचा बनाएंगे। कम हाइट का गाड़ी रहेगा तो उसको हम लोग जो है सो कम ऊंचा बनाएंगे। फिर अगर हमारे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस महंगा महंगा जो भी गाड़ी है, BMW, ऑडी, जगुआर, फरारी, इस सब का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रहता है। मतलब ये तुम्हारा ग्राउंड है और तुम्हारे गाड़ी का क्लियरेंस बहुत कम है, तो उस केस में हम जो भी हमारा बम्प है, जो भी हमारा ब्रेकर है, इसको ठोकर बोलते हैं, उसको कम हाइट देंगे। तो जनरली एक्सप्रेस वे सब पे बम्प या फिर जो भी ठोकर है, ब्रेकर है, वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे गाड़ी का क्लियरेंस कम है और ये सारा का सारा गाड़ी हमारा एक्सप्रेस वे पे चलेगा, इसलिए वहां पे प्रोवाइड ही नहीं करते। तो ये डिफरेंट व्हीकल करेक्टरिस्टिक है जो दो टाइप का आएगा, स्टैटिक डायनामिक, जैसे कि हमारा फिजिकल दो टाइप का आया था, परमानेंट और टेम्प्रोरी, वैसे ही हमारा व्हीकल करेक्टरिस्टिक एक स्टैटिक का होगा, एक हमारा डायनामिक का होगा। स्टैटिक में जो रुका हुआ है, डायनामिक मतलब जो मोशन में, स्टैटिक में हमारा हो गया डायमेंशन, टर्निंग एंगल, टोटल वेट ऑफ व्हीकल और ग्राउंड क्लियरेंस। डायमेंशन में हम लोग देखे लेंथ ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल। तो ये सारा का सारा जो भी हमारा पॉइंट है वो हमारे व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक में स्टैटिक करेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है। तो बस ये देख लो सब डायमेंशंस को, उसके बाद छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है जितेंद्र? यस। चलो ठीक है। तो देखो ये डायमेंशंस में है तुम्हारा लेंथ ऑफ व्हीकल, उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोला, कंट्रोल्स, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, पार्किंग फैसिलिटी। अब जो भी तुम्हारा पार्किंग फैसिलिटी है वो तुम्हारे गाड़ी के लेंथ पे, उसके विड्थ पे डिपेंड करेगा। मान के चलो हमारा जो भी पार्किंग फैसिलिटी है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे गाड़ी का लेंथ इतना है, उसी के अनुसार हम लोग अपने पार्किंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़े थे तो वहां पे भी हमको व्हीकल का लेंथ जो था वो गवर्न करता था, क्योंकि उसका फॉर्मूला कुछ आता था NL²/9√R, ऐसे करके आता था। यहाँ जो लेंथ था वो एल जो था वो लेंथ ऑफ व्हीकल था, एन जो था तुम्हारा नंबर ऑफ लेंथ था। तो जो भी तुम्हारा ये सारा का सारा पैरामीटर जो हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन में देखे थे, वो सारा का सारा पैरामीटर हमारे व्हीकल करेक्टरिस्टिक से ही आता था, और व्हीकल करेक्टरिस्टिक से हमारा लेंथ और विड्थ को वो गवर्न करता था। तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट है तुम्हारा हाइट ऑफ व्हीकल्स कंट्रोल, हाइट ऑफ ब्रिज, हाइट ऑफ वायर या फिर केबल, उसके बाद तुम्हारा अदर सर्विस लाइन, उसके बाद तुम्हारा है ओवरहेड गैंट्री और साइन बोर्ड्स, और या फिर यहाँ पे और दूसरा पॉइंट दे सकते हो हाइट ऑफ अंडर ब्रिज, हाइट ऑफ अंडर ब्रिज। कोई बताओगे उदय इसका मतलब क्या है? ओवरहेड गैंट्री फॉर साइन बोर्ड, ओवरहेड गैंट्री फॉर साइन बोर्ड का मतलब बताओगे उदय या फिर जितेंद्र, तुम लोगों में से कोई? सरफेस जो साइन बोर्ड का हेड हो, ओवरहेड गैंट्री, सर जो बोर्ड पे लिखा रहता है उसका हाइट कितना होना चाहिए, मतलब वो कितना ऊपर हो? 1.2। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अभी देखो, अभी जस्ट हम सर्च किए हैं, अभी जस्ट सर्च किए हैं, तुम लोगों को दिखा देते हैं। या देखो, ओह ये तुम्हारा है ओवरहेड गैंट्री, जस्ट देखो ये है तुम्हारा ओवरहेड गैंट्री, देख लिया सब? यस सर।
चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो साइन बोर्ड और कुछ पूछना है? हाँ बोलो। तो जो साइन बोर्ड से स्पीड लिमिट है, फिर साइन से रेगुलेटरी साइन है, इंफ्लेमेटरी साइन है, उसका जो हाइट है वो भी तुम्हारा है, तो वो भी इसके तुम्हारा अंदर नहीं, इसी के अंडर में तुम्हारा आएगा। अब खुद देखो ना, ये तुम्हारा, अब ये तुम्हारा मान के चलो, जैसे कि देखो ये भी तुम्हारा हाइट ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तुम्हारा एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा एक ड्राइवर है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कितना हाइट, या फिर हमारा आई आई साइट यहाँ पे होगा, हमको कितना हाइट रखना है ताकि हमको यहाँ से यहाँ हमको ये दिख जाए। तो ये भी हमारा ओवरहेड गंट्री के टर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा अंडर ब्रिज हो गया, या फिर तुम्हारा जो भी इलेक्ट्रिक वायर या फिर केबल्स है, हाइट ऑफ ब्रिज है, ये सारा का सारा चीज तुम्हारा हाइट ऑफ व्हीकल पे कवर करेगा। और कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। चलो सब कुछ क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। अभी तक में तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी जितेंद्र उदय तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी घर से क्या करते हो, क्या रूटीन है? वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। यस ओके। हाँ बताओ उदय, क्या करते हो अभी? क्या तुम्हारा, बस तुम लोग दो चार ही पढ़ने आते हो तो क्या तुम्हारा अभी रूटीन चल रहा है, क्या करते हो? एसी का क्वेश्चन पेपर नोट्स वगैरह बना रहे थे। किसका? एसी का? नॉन टेक का। किसका नोट्स बना रहे हो? नॉन टेक का। थोड़ा बहुत नॉन टेक से मटेरियल साइंस वगैरह इस सब का, और फिर इथिक्स वगैरह का, इस एनवायरनमेंट का, इस सब का नोट्स बना रहे हैं, और बाकी टेक्निकल भी देख रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा है, पढ़ो तुम लोग, अब टाइम नहीं है इसलिए अच्छा से पढ़ो। एथिक्स का नोट्स तुमको हम भेज देंगे, तुम हमको व्हाट्सएप कर देना, तुम एथिक्स का नोट्स या फिर जो भी है नोट्स हम भेज देंगे, तुम लोग पढ़ो उसको, ठीक है? या फिर और तुमको जिस चीज का नोट्स चाहिए हमको मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, हमको हम भेज देंगे, ठीक है? मेडी जी का सर, क्या मेडी जी का बुक है? जितेंद्र तुम बताओ। सर मेरा तो अभी सर कुछ हो नहीं पा रहा है, घर पे प्रॉब्लम, घर पे पापा मम्मी का तबीयत खराब है। चलो ठीक है, तब पर भी तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? यस ओके ठीक है, तो क्लास को एंड करें? यस ओके ओके, चलो थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके।